हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, थोड़ी सी मैथ वाले क्लास में जो है आप लोग का एक्स्ट्रा टाइम चला गया, इस वजह से जो मैं 10 मिनट डिले हो गया बच्चों। ठीक है, तो सभी लोग जो है फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। और आज की जो सेशन होने वाला है बच्चों, वो आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशु विज्ञान से अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं या जितने भी संभावित सवाल हैं आपके इस साल के एग्जाम्स के लिए, उनके बारे में बात करेंगे बच्चों। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ऑप्शंस है सारे ऑप्शंस के पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, ताकि आप लोगों को अन्य प्रश्नों के लिए भी जो आप लोगों की प्रिपरेशंस पूरी तरीके से हो जाए जो आपका मैंने अभी तक पढ़ाया है बच्चों। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बेसिकली जो है एनिमल हस्बेंड्री में डिस्कस किए हैं नस्लों के बारे में, जितने भी ब्रीड्स थे आपके अलग अलग पशुओं के, उन सब के बारे में पढ़ा हमने। फिर उसके बाद एक इंट्रोडक्टरी पार्ट या फिर कह लीजिए या फिर एक लेक्चर वाइज की क्या क्या उसके स्टेटिस्टिकल पोर्शन थे कि संख्या के हिसाब से कौन सी ज़्यादा थी, कितना रैंक था भारत का, तो ये सारा पोर्शन जो हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। ठीक, अब आज की जो लेक्चर है बच्चों, हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। आज के लेक्चर में हम लोग 50 MCQs करेंगे बच्चों, जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, खुश रहिए, हर हर महादेव, जय जवान जय किसान बच्चों। सही है बच्चों, सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए बच्चों। और आज की क्लास बता रहा हूँ, ठीक है, आज जो है आपको जो भी ऑप्शंस यहाँ दिख रहा है ना, वो संभावित किस प्रश्न का उत्तर हो सकता है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो आज का जो MCQ सेशन होगा वो बाकी दिनों से जो है थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा अलग होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट बच्चों। नमस्ते नमस्ते, हाँ, जय जवान जय किसान बच्चों, हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए ताकि हम लोग जो है क्लासेस को शुरू कर सके। बहुत अच्छा, प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए बच्चों। तो चलिए अब जो है क्लासेस को शुरू करते हैं बच्चों। सभी लोग जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं इसको शेयर किया है बच्चों, इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी जो आपके एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जो है बच्चे टाइम से जुड़ सके बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आप सभी के सामने यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, वो है आपका सेंट्रल डेयरी फार्म से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्या पूछा गया है यहाँ पे कि सेंट्रल डेयरी फार्म इज लोकेटेड इन, यानी कि जो आपका सेंट्रल डेयरी फार्म है वो कहाँ पर स्थित है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो फटाफट देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया सेंट्रल डेयरी फार्म स्थित है कहाँ है, आपके ऑप्शन है इटावा, अलीगढ़, आगरा और फैजाबाद। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको ये जो सेंट्रल डेयरी फार्म है यानी कि क्या है, केंद्रीय जो आपका डेयरी फार्म हुआ कहाँ पर स्थित है, तो सभी लोग फटाफट अपने आंसर से बता दो। देखो रिसर्च स्टेशन से आपके एग्जाम में जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाफट बता दीजिए। हाँ, लेट्स स्टार्ट द गेम, हाँ गेम स्टार्ट हो चुका है बच्चों। पर प्रश्न के लिए जो आप लोगों के पास 30 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है, उसी में आपको अपने आंसर्स बताने होंगे। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं, टूल्स लगा दिया मैंने टाइमर, ठीक है, चलिए फटाफट 30 सेकंड के अंदर बता दो बच्चों कि अली सेंट्रल डेयरी फार्म जो है बच्चों वो कहाँ पर स्थित है आप लोगों का। ठीक है, सेंट्रल डेयरी फार्म जो है वो हमारी कहाँ पर स्थित है, अलीगढ़। सभी लोग लगभग 90% बच्चे जो है अलीगढ़ बता रहे हैं, बहुत सही बच्चों, सही आंसर बताया आपने, अलीगढ़ में है हमारा सेंट्रल डेयरी फार्म, जो हमारा केंद्रीय डेयरी फार्म स्थित है वो हमारा अलीगढ़ में स्थित है। बहुत अच्छा बच्चों, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ रिसर्च स्टेशंस के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नोट करवा देता हूँ, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। जैसे एक पूछा जाता है बच्चों NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB हमारा कहाँ पर स्थित है बच्चों, तो यह स्थित है आनंद, गुजरात में। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है बच्चों वो है आपका NDRI हमारा कहाँ पर स्थित है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये हमारा स्थित है बच्चों करनाल, हरियाणा में। नेक्स्ट ओके, तीसरा जो है आपका वो है जैसे गोट के लिए अनुसंधान केंद्र, तो गोट का कहां पर है बच्चों, मखदुम मथुरा में है बच्चों, कहां पर है, मखदुम मथुरा में है। ठीक, उसके बाद दूसरा आपको क्या बताना है, यहां पे बफेलो का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देखो बच्चों सारा बता रहा हूँ, इसको नोट भी करते रहना सभी लोग मेरे से रो। ठीक है, बफेलो का जो है वो कहाँ पर स्थित है बच्चों, तो हिसार में स्थित है। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सीप का कहाँ पर स्थित है बच्चों, तो सीप का जो है आपका स्थित है अविकानगर, राजस्थान में। ठीक है, ध्यान से नोट करते रहिएगा सभी लोग, सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में आने वाले संभावित क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पीग का है, ठीक है, पीग का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो असम में स्थित है। ठीक है,
तो ये सारे जो आपके रिसर्च स्टेशंस थे बच्चों, इन सब के बारे में आपको बेसिकली ध्यान देना होगा। वन बाय वन करके जो है आप सारे रिसर्च स्टेशंस के बारे में देख लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट और कोई भी समस्या किसी भी तरह का रहे बच्चों, तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को क्वेश्चन, हाँ, इस सभी को नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों, ठीक है। NDDB के बारे में बताएं, हाँ, NDDB जो है बच्चों, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, ये बच्चों मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन का कार्य करता है, यानी कि दुग्ध उत्पादन के लिए ये प्रयोग में आते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल डेयरी फार्म जो है ये अलीगढ़ में स्थित है, और ये जो है बच्चों NDDB जो है ना गुजरात में स्थित है, ठीक, NDRI करनाल में, गोट के लिए। तो सारे रिसर्च स्टेशंस को एक बार नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ, पीक आसम में है, बेसिक सिस्टम बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत अच्छा रोहित पटेल, बहुत अच्छा बच्चों, ठीक है। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करके जरूर से शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आज का जितना इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको जो एनिमल हस्बेंड्री का कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग ऑप्शन के अंदर पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा बच्चों, हाँ, ठीक है, आनंद गुजरात, ठीक है, ठीक है, सारे चीज़ें देखो बच्चों। एक चीज़ और, टेस्ट सीरीज जैसे आपके एग्जाम्स के डेट्स अनाउंस हो जाएंगे, तब आप लोगों को जो है टेस्ट सीरीज वहाँ पे जो है आपको और बेहतर तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा बच्चों। रेगुलर बेसिस पे भी आपके मिलेंगे, यूनिट से बेस मिलेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को जो मिल रहा है वो प्रैक्टिस सेट्स वगैरह, तो उसको करते रहिए, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ उस पे ऐप पे अपडेट होते रहा है आपका, और सब्जेक्ट वाइज मिलते जा रहा है। आज आप लोगों को शाम तक हॉर्टिकल्चर की एक और वेजिटेबल साइंस का DPP और टेस्ट सीरीज जो है आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको सॉइल साइंस मिलेगा, तो इसी तरह से आप लोगों को जो है वहाँ पे अपडेट हम लोग कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो फटाफट बता दो बच्चों, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नेहा कुमारी, गुड मॉर्निंग रोहित पटेल। चलिए बच्चों, सभी लोग फटाफट क्या बता रहे थे यहाँ पे, लैक्टोज प्रेजेंट इन द मिल्क। अब जो दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, वो है आपका लैक्टोज प्रेजेंट इन द मिल्क, यानी कि गाय के दूध में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको क्या कहते हो। लैक्टोज ही होता है जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है दूध में बच्चों, उसको क्या कहते हो, लैक्टोज कहते हो। अब एक क्वेश्चन आज ही स्टूडेंट ने पूछा था एक हमसे, कि सर कार्बोहाइड्रेट में जो मिल्क है वो कैसा है, डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है। तो देखो भैया, लैक्टोज जो है ना वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना रहता है। किससे मिलकर बना रहता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। अब भैया जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से कोई चीज़ बनल है तो वो हमारा क्या होगा, डाइसैकेराइड होगा। यानी कि ह्यूम मिल्क की अगर बात किया जाए तो वो क्या है, वहाँ पे डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जिसका नाम है लैक्टोज। और इसी के कारण से मिल्क में जो है बच्चों स्वीटनेस भी आता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चों, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा। बहुत सही, सभी लोगों ने जो है इसमें लगभग सही आंसर बताया। सुक्रोज जो है ना बच्चों, ये हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर बनता है। क्या मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है बच्चों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है, भारत में कृत्रिम गर्भधारण कब शुरू किया गया था, भारत में कृत्रिम गर्भधारण कब शुरू हुआ था। इसका आप सभी को फटाफट आंसर्स बता दीजिए कि इसमें आंसर क्या होगा बच्चों। कृत्रिम गर्भधारण, देखो कृत्रिम गर्भधारण में आपका क्या होता है, इसमें जो है आपको अलग से आर्टिफिशियल वेजाइना बनाया जाता है, कृत्रिम योनि का निर्माण किया जाता है, और उसका कोण जो होता है 45 डिग्री पे इस तरह से होना चाहिए, वेजाइनल कोण जो होते हैं उसके। और उसको में जो वीर्य का जो आप भंडारण करते हो वो आपका लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको जो है फ्रीज करके रखा जाता है सीमेन को, ठीक है, ताकि उसको फर्दर यूज के लिए किया जा सके कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भधारण विधि में। तो इस विधि की शुरुआत जो है बच्चों भारत में कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन था 1969। सारे बच्चे जो है लगभग सभी ने बहुत, डॉक्टर संपत कुमार ने किया था, बहुत अच्छा, कामना मौर्य बहुत अच्छा, सही बता रहे बेटा संपत कुमार जी ने जो द्वारा जो है 1939 में यह किया गया था। बहुत शानदार, सभी ने जो है लगभग सही आंसर बताया है। और इसके अन्य पॉइंट जो है आप लोगों को मैंने बता दिया कि कौन कितना डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री का, ठीक है, आपका जो टेम्परेचर जो होता है बच्चों वो अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो आप लोगों को वन बाय वन हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। हाँ, नाइट्रोजन में किया जाता है, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हो बेटा। चलिए ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सारा चीज़ करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आप सभी के सामने, पर डे सॉल्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ काउ, यानी कि गाय के अगर एक दिन में देखा जाए तो कितना नमक जो है वहाँ पे उसको देने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर कितने नमक की ज़रूरत होती है बच्चों एक दिन के अंदर, यानी कि 24 घंटे के अंदर। फटाफट बताओ बच्चों इसमें आंसर क्या होगा। हाँ, 1939, -196 डिग्री सेंटीग्रेड तरल नाइट्रोजन में उसको किया जाता है प्रिजर्व। बहुत अच्छा, बहुत सही बता रहे हो बेटा।
हाँ 50 से 60 ग्राम, सुप्रिया रॉय, कैप्टन बायो, सभी लोग जो 50 से 60 ग्राम बता रहे, बिल्कुल सही है बच्चों। देखो एक चीज़ और, नमक जो है आपका भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट आहार होता है ना, तो आपको जैसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह करने के लिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 50 से 60 ग्राम, यानी कि आपका पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट जो होता है गाय के लिए वो कितना होता है बच्चों, तो 50 से 60 ग्राम होता है। इस चीज़ को आप लोग जरूर से नोट कर लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 50 से 60 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट जो होगा वो 50 से 60 ग्राम का हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत शानदार बच्चों। हाँ सही बता रहे हैं आरती कुमारी, 50 से 60 ग्राम, आदित्य खरवार, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा, सही है, सभी लोगों ने लगभग सही पढ़ा था। हाँ पढ़ी, कल ही पढ़ा था ये वाला, चलो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आप लोग आंसर्स अपना बताते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ उसको देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या होगा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, जेनस ऑफ व्हिट गोट इज, यानी कि गोट का जो जेनस क्या होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोगों को पता है, जेनस और स्पेसिस से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे जितने भी आप अभी एनिमल्स पढ़ोगे या पढ़े हो उन सभी के जेनस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे बकरी का जेनस पूछा गया है, बकरी का वंश क्या होगा, ओविस, कैप्रा, बॉस और बुवेलिस। तो देखो बच्चा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैप्रा हिरकस, यानी कि अगर हम लोग गोट की बात करते हैं तो गोट का नाम क्या हो जाता है, कैप्रा हिरकस। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे बात करते हो सीप का, तो सीप का क्या हो जाता है, ओविस एरिस। एक ही जगह पे सबको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से नोट करते रहना जिन्होंने अभी तक नहीं नोट किया है, और एक चाहते एक सीरीज में पूरा पोस्टमार्टम हो जाए एनिमल हस्बेंड्री का, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के सामने पूछा जाता है बच्चों यहाँ पे सीप के बाद गोट के बाद काऊ, तो काऊ का क्या हो जाएगा बच्चों, बॉस स्पेसिस। अब इंडिकस होता है और टॉरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पिग का पूछ सकता है, पिग का क्या हो जाता है, सुस स्पेसिस। पोल्ट्री का पूछ सकता है, ठीक है, तो कॉपोल्ट्री का क्या हो जाएगा, ग्यालस डोमेस्टिका। तो ये सारा सारा जो आपको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे पूछा है सिंपल गोट का वंश, तो गोट का वंश यहीं से आपको दिख रहा है कैपरा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, सभी के लगभग सही आंसर्स थे बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, सभी ने लगभग सही बताया था, कैपरा के साथ सभी लोग जा रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चों। हाँ ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो थी बच्चों, हाँ कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम याद कर लेना, बहुत अच्छा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दे देना बच्चों। हाँ ठीक है, 2n = 60 होता है, बहुत अच्छा। हाँ आकृति, हेलो, चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है कोई बात नहीं, देख रिकॉर्डेड भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन MCQ जो है लाइव जो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और ज़्यादा असरदार होते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी के सामने है, स्प्लीनिक फीवर इज अनदर नेम ऑफ, यानी कि जो स्प्लीनिक फीवर होता है बच्चों, ये पीलिया जो बुखार जो हम लोग कहते हैं, वो मुख्य रूप से किसका दूसरा नाम है बच्चों, आपके सामने है FMD, एंथ्रैक्स, काउपॉक्स और मेस्टाइटिस। तो देखो बच्चों यहाँ पे स्प्लीनिक फीवर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, अभी मैं आपको 3 पॉइंट इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है, पहले इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसमें आंसर क्या होने वाला है, स्प्लीनिक फीवर जो है बच्चों ये किस चीज़ का जो है इसका दूसरा नाम क्या है। मुख्य बीमारी मैं आपको बता दूं, ये हमारे पशुओं में होने वाली महत्वपूर्ण बीमारी है, ठीक है, जो आपके एनिमल्स में होते हैं, लेकिन इसके बारे में आप बताओगे कि इसका उपनाम क्या है, फटाफट बता दो धुरंधरों जो भी अभी तक जुड़े हुए, और जो जिन्होंने अभी तक नहीं सेशन को शेयर किया है जरूर से एक बार शेयर कर दो बच्चों, क्योंकि आपके फ्रेंड्स जितने मैक्सिमम रहेंगे इस तरह के महासंग्राम सीरीज तभी आएगा जब आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की रहेगी, ठीक है, तो इसलिए एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। FMD कुछ बच्चे बता रहे हैं, देखो कल से आप लोगों को मैं ये डिजीज़ वाला ही पोर्शन कल से शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, जैसे सारे जो पशु हैं सबके डिजीज़ और आपके इंक्यूबेशन पीरियड उसमें, ठीक है, उद्भव काल जिसको कहते हो, उसके लक्षण, उसका रोगाणु किसके कारण से हो रहा है और क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है, और उसका उद्भव काल, इस तरह से हम लोग सारे डिजीज़ को 1 by 1 कल से शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, एंथ्रैक्स, मैक्सिमम बच्चे एंथ्रैक्स और FMD, देखो अरे बाबा FMD मतलब होता है फूट एंड माउथ डिजीज, खुद पक्का मुंह पक्का रोग, जो कि इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्प्लीनिक फीवर भी कहते हैं, और इसको किसके द्वारा होता है बच्चों, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, कौन सी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है, कौन सी बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण से ये
होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण से एंथ्रेक्स रोग होता है बच्चों, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लेनिक फीवर इज अनदर नेम ऑफ एंथ्रेक्स। बैक्टीरिया क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस है, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लीजिए बच्चों सभी लोग, शानदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी लोग लगभग बैसिलस, बहुत अच्छा आशुतोष सिंह, बहुत अच्छा अभिषेक, बहुत अच्छा शालिनी, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग जो है लगभग सही बता रहे थे इसमें आंसर, बहुत 100% राइट, बहुत सही था। FMD नहीं होगा यहाँ पे, एंथ्रेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन मिल्क, यानी कि दुग्ध में जो है बच्चों किस तत्व की कमी पाई जाती है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भाई, यूपी कैडेट के लिए कब से पढ़ा रहे भाई परथ्यूस, ये जो आपकी क्लासेस चल रही है भैया, ये सारा चीज़ आपके यूपी कैडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर का सिलेबस पहले देख लो बेटा, उसमें एग्रीकल्चर में आपका एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आते हैं और यही सब चीज़ आपको यहाँ पढ़ाया गया है। तो यूपी कैडेट के लिए अलग से क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर आपकी पूरी क्लासेस कर लिए हो तो, ठीक है। बहुत अच्छा आदित्य खरवार, सबसे पहले आपने बोला, आपने जंग जीत लिया बच्चों, बहुत बहुत बहादुर हो तुम, चलो ठीक है। हाँ, इसमें आयरन की बात कर रहे हैं सभी बच्चे, बहुत शानदार, इसमें आंसर बच्चों आयरन होगा। देखो आयरन के साथ साथ विटामिन सी की भी कमी होती है, किसकी कमी होती है बच्चा, लल्ला विटामिन सी और आयरन दोनों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है, कैटल डिजीज दैट इज ट्रांसफर्ड टू मैन, यानी कि मवेशी द्वारा मानव में हस्तांतरित रोग कौन सी है, ठीक है। आपके ऑप्शन सेम वही है, FMD, एंथ्रेक्स, रिंडर पेस्ट और फुट रॉट, ठीक है। इसमें आंसर बता दो, कौन सा रोग ऐसा है जो मानव से आपको मवेशियों से मानव में प्रसारित होता है बच्चों, ठीक है। आयरन विटामिन सी, बहुत अच्छा, ये तो हो गया बाबा, आप दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं सभी लोग, फटाफट बताओ कि इसमें आंसर क्या होगा। हाँ, आयरन की कमी तो होती ही है लल्ला, लेकिन यहाँ पे इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 का, कैटल डिजीज डैज इज ट्रांसफर टू मैन, कौन सा ऐसा बीमारी है जो मानव में प्रसारित हो जाती है बच्चों, फटाफट बता दीजिए। हाँ, एंथ्रेक्स, बहुत अच्छा, इसमें भी आंसर आपका क्या होगा, एंथ्रेक्स ही होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स एंथ्रेक्स से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट थे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो आप सभी के सामने है, एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा शुड बी विद इन, यानी कि जो प्लासेंटा होता है, जो लार्ज होते हैं ना बच्चे जब पैदा होते हैं उस समय, तो उस प्लासेंटा को कितने घंटे के अंदर जो है हमें बाहर निकाल देना चाहिए, पूरी रूप से जो है उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो कितने घंटे में, आपका ऑप्शन है 2 से 3 घंटा, 4 से 8 घंटा, 6 से 8 घंटा और 8 से 12 घंटा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिए इसमें आंसर क्या होगा। एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा शुड बी विद इन, कितने घंटे के अंदर जो है हो जाएगा, फटाफट बता दो बच्चों, इसमें सही आंसर आपके क्या हो जाएंगे। बिल्कुल, एंथ्रेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों। चलिए, 4 से 8 घंटा, 6 से 8 घंटा, देखो 4 से 8 घंटा, ठीक है, 6 से 8 घंटा। देखो बच्चों यहाँ पे जो है आपके दोनों ही ऑप्शंस में आपको, देखो 4 से 6 घंटा और 6 से 8 घंटा दोनों ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, इतने ऐसे वहाँ पे इतने क्लोज ऑप्शंस आपके नहीं आएंगे बच्चों। तो एक्यूरेट टाइम अगर देखो मोर प्रिसाइजली तो 6 से 8 घंटा होगा, लेकिन ये आपका रेंज यहाँ पर भी है, तो हम लोग यहाँ पे मान के इसको चलेंगे, लेकिन इससे आसपास रेंज वाले जितने ऑप्शंस आएंगे बच्चों उसको आपको सही लगाना है, ठीक है, एग्जाम के दौरान। चलिए नेक्स्ट जो आप सभी के सामने क्वेश्चन है, डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ शीप, डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ शीप कौन सा होगा, ठीक है। भेड़ के दो प्रयोजनीय नस्ल के बारे में पूछा जा रहा है, तो फटाफट बता दीजिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दो प्रयोजनीय नस्ल कौन सी है, दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल पूछा गया है, ठीक है। इसमें आंसर बता दो क्या होगा, बारवरी, जमुनापारी, मारवरी और बिटुल, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कि सबसे, हाँ फटाफट बता दो इसमें आंसर क्या होगा, विपिन रस्तोगी, जमुनापारी, कैप्टन बायो, जमुनापारी बता रहे हैं, ठीक है। आशुतोष सिंह की जमुना, ऑप्शन बी, ठीक है, जमुनापारी। बेसिस कुमार सुजीत, ऑप्शन बी, बहुत अच्छा बच्चों, सभी लोग जो है इसमें ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट का, जो बकरी का दो प्रयोजन नस्ल है वो है जमुनापारी। अब जमुनापारी से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक पूछा जाता है कि नाक भैया कैसा है, तो रोमन नोज जैसा, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है इसके ईयर्स जो होते हैं वो लॉन्ग एंड पेंडुलेटेड होते हैं, पेंडुलाटक नुमा होते हैं कान। तीसरा पूछा जाता है सबसे ज़्यादा जो है दूध देने वाली दो प्रयोजनीय नस्ल अगर भारत में देखा जाए तो सबसे बेस्ट हमारा कौन सा होता है, तो जमुनापारी, ठीक है। बॉडी वेट के हिसाब से भी लार्जेस्ट ब्रीड ऑफ गोट भी इसको कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग इसको इतना सारे विशेषता के साथ इसको ध्यान दीजिएगा, जमुनापारी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो बहुत अच्छा, हाँ जमुनापारी इसमें सही आंसर होगा, रोमन नाक, ये सारे इसके विशेषता थी, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट जो है आप सभी के सामने जो है बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट आप सभी के सामने आ चुका है बच्चों, फटाफट बता दीजिएगा, गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इन डेज, यानी कि दिन में क्या अवधि के हिसाब से जो है बच्चों गाय का गर्भकाल कितना दिन का होता है, फटाफट बता दो बच्चों कि इसमें सही आंसर क्या होने वाला है। हाँ पैरट फेस, हाँ बिल्कुल ठीक है, फटाफट बता दीजिए कि इसमें क्या हो जाएगा। सबसे अधिक दूध देने वाली, बहुत अच्छा, ये सारे पॉइंट्स अभी मैंने डिस्कस किया था, बताया भी था आपको। हाँ मेरा क्लास जो बच्चों आपका यहाँ पे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे रहता है 10:30 से 11:30 बजे, ठीक है बच्चों, उस समय लाइव क्लासेस रहती, बाकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को ऐप पे मिल जाएगा। ए आंसर होगा, सभी लोग जो है लगभग यहाँ पे ए आंसर बता रहे हैं, यानी कि 283 से 285 दिन, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखो 310 या फिर 316 दिन जो होता है बच्चों, ये हम लोग किसके लिए कहते हैं, बफेलो के लिए कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 145 से 150 दिन वाला जो अवधि होता है, ये बच्चों मोस्टली गोट और सीप के लिए होता है, ठीक है, गोट और सीप के लिए इस तरह से जो आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ टिप्स थे, कुछ था आपको तरीका कि किस तरह से आपको चीज़ें याद करवानी है। देखो एक गेस्टेशन पीरियड के साथ साथ आपको दो और गेस्टेशन पीरियड इस क्वेश्चन में जो है फ्री में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट एनिमल फेयर जो होता है, बिगेस्ट एनिमल फेयर जो पशुओं का मेला जो होता है बच्चों, ये सबसे बड़ा जो है बच्चों ये कहाँ पर लगता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो फटाफट बता दो आप लोग कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है, फटाफट यहाँ पे कि सबसे बिगेस्ट ये मेला कहाँ लगता है, फटाफट बता दीजिए इसमें। हाँ भैंस का 310 दिन, बिल्कुल 310 से, हाँ सोनपुर बिहार, बहुत अच्छा, कैप्टन बायो बता रहे हैं, पंकज कुमार, बेसिक शिक्षा, सभी लोग जो है, हाँ यहाँ पे आंसर क्या बताया है, जर्सी का 305 दिन, हाँ सालू सिंह, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, सभी लोग इसी तरह से तुम लोग जब आंसर्स बताते हो ना, इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, और आप उन चीज़ों को क्वेश्चन एमसीक्यू प्रिपरेशन के दौरान अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को, तो ये बहुत अच्छा होता है बच्चों, ठीक है। हाँ सोनपुर बिहार, बहुत शानदार बच्चों, सभी लोग लगभग सही आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोनपुर बिहार में स्थित है, सबसे बड़ा जो कैटल का मेला होता है, पशुओं का मेला, वो हमारा सोनपुर बिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों कि एवरेज वेट ऑफ एन एग इज, यानी कि एक अंडे का औसत वजन कितना ग्राम होता है, ठीक है, ये एक देसी जो मुर्गी होती है उसका अंडे का जो आप लोगों को पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो फटाफट बता दीजिए एक औसत अंडे का जो वजन कितना होता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो इसमें कि एक औसत अंडे का वजन कितना होता है। हाँ सभी लोग आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं अभी तक, 50 से 60 ग्राम आया है अभी तक, किसने आंसर बताया बच्चों, हाँ सुप्रिया रॉय सही बता रहे हो बेटा। नेक्स्ट बाकी लोग भी अपने आंसर्स बताते रहिए, सही होगा ये 50 से 60 ग्राम, ठीक है। तो एक औसत जो अंडा होता है बच्चों उसका वजन जो है आपको 50 से 60 ग्राम होता है, और एक मुर्गी जो होती है वो आपका 5-5.5 साल बाद जो है बच्चों वो अंडा देना शुरू करती है, यानी कि 5 मंथ एंड 15 डेज, इस तरह से 2.5 महीने बाद, 5.5 महीने बाद जो है वो अपना अंडा देना शुरू करती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों रानी खेत इस डिजीज इज फाउंड इन, यानी कि रानी खेत जो है बच्चों ये किसमें पाई जाने वाली बीमारी है, देखो फटाफट बता दो बच्चों की रानी खेत जो है बच्चों इसमें किसकी बीमारी होगी रानी खेत, ठीक है, फटाफट बता दीजिए, तब तक मैं रानी खेत के बारे में आप लोगों को 2-3 पॉइंट और बताता हूँ। रानी खेत जो है ना बच्चों ये हमारा मुख्य रूप से किसमें लगने वाली रोग है, ये आप लोग बताओगे, मैं बता देता हूँ, इसका दूसरा नाम है बच्चों न्यू कैस्टल डिजीज, क्या नाम है बच्चा इसका, न्यू कैस्टल डिजीज इसका दूसरा नाम है, ठीक। उसका दूसरा पॉइंट आपको ये वायरस यानी कि विषाणु से लगने वाला रोग है, किससे लगने वाला रोग है बच्चा, विषाणु से लगने वाला रोग है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट जो है ये हमारा पोल्ट्री में लगने वाला गंभीर बीमारी है, ठीक है, ये जो है आपकी पोल्ट्री यानी कि मुर्गियों में लगने वाली बहुत गंभीर बीमारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है बच्चों कि काउ मिल्क अपीयर्स येलो, क्यों जो है आपका गाय का दूध जो होता है बच्चों ये पीला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों को मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा, आपको ध्यान देना है बच्चों दो चीज़ों को, एक कैरोटीन और एक राइबोफ्लेविन और एक केजिन, ये तीन चीज़ जो मेजर प्लेयर हैं बच्चों रंग से रिलेटेड, अगर एनिमल हस्बेंड्री में देखा जाए और गाय के दूध से रंग से रिलेटेड है, तो ये तीन आपके मेजर प्लेयर हैं, कौन कौन से, राइबोफ्लेविन, ठीक है, उसके बाद आपका जो है केजिन और आपका कैरोटीन। तो देखो अगर बात होती है सफ़ेद रंग की, तो ये मुख्य रूप से जो मिल्क का जो व्हाइट कलर होता है वो केजिन के कारण से होता है, जो कि हमारा बकरी के क्या कहते हैं, इधर अगर हम बात करेंगे बफेलो के मिल्क में तो वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, केजिन, ठीक है, तो इसलिए वो व्हाइट कलर की होती है। अब गाय के मिल्क में क्या होता है बच्चों, कैरोटीन या राइबोफ्लेविन जो होता है वो हमारा अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण से जो है वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि इसका ऑप्शन जो आप लोगों का बदल जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन हो जाता था क्या,
केजिन अगर पूछेगा तो व्हाइट कलर के लिए, और येलो कलर के लिए बोला गया है बच्चों तो राइबोफ्लेविन। अगर राइबोफ्लेविन ना रहे ऑप्शन में तो बच्चों तो आप कैरोटीन भी लगा सकते हो, कैरोटीन भी जो है आपका, कैरोटीन का जो जेंथोफिल कैरोटीन ये सब हमारे येलोनेस के लिए रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर वो भी आंसर लगा सकते हो, ठीक है मेरे शेरो। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या मैटर है, मुर्गी में संक्रमण रोग होता है, हाँ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डिजीज़, हाँ केजिन व्हाइट कलर के लिए विभूति भूषण, बहुत अच्छा बच्चों, हाँ सर डी बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने, इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं क्या होने वाला है नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आप सभी के सामने है काउपॉक्स इज, यानी कि काउपॉक्स हमारा कैसा बीमारी है, ठीक है काउपॉक्स हमारा किस तरह का बीमारी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शंस में है बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज और अल्गल डिजीज, ठीक है। तो देखो हमें इसमें पता होना चाहिए कौन सा हमारा विषाणु से लगने वाले रोग है, कौन सा जीवाणु से लगने वाले रोग है, ठीक है। इसकी आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो काउपॉक्स फटाफट बता दो कि किस तरह का बीमारी है, 15 का डी बता रहे थे सभी लोग, बहुत अच्छा बच्चों। अब 16 का सभी लोग बता दीजिए कि आंसर क्या होगा, काउपॉक्स जो है वो हमारा कैसा है, जीवाणु जनित रोग है, वायरल रोग है या फंगल रोग है या फिर शैवाल से लगने वाली रोग है, ठीक है। काउपॉक्स जो है बच्चों किस तरह का बीमारी है ये फटाफट बता दीजिए आप, आंसर क्या होगा, काउपॉक्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज, या आपका वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है या अल्गल डिजीज है, फटाफट बता दो आंसर क्या होगा, विषाणु के कारण, बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर बी। 90% बच्चे जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कुछ गधे जो है बैक्टीरियल भी बता रहे थे। देखो बैक्टीरियल रोग कौन कौन सी होती है ध्यान से सुन लीजिए, जैसे टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, ये सब हमारे क्या है बैक्टीरिया से लगने वाला, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीवी जिसको कहते हैं, ये हमारे बैक्टीरिया से लगने वाले रोग है, टाइफाइड है, ठीक है, कोलेरा, ये सब हमारे बैक्टीरिया से लगने वाले रोग है, लेकिन काउपॉक्स जो है वो हमारा वायरस से लगने वाले रोग है। स्वाइन फीवर भी अगर पूछेगा तो वो भी हमारा वायरस से लगने वाला रोग है, मतलब स्वाइन पॉक्स, स्वाइन फ्लू जो हम लोग कहते हैं, बर्ड फ्लू भी हमारा वायरस से लगने वाला है, रानी खेत भी हमारा वायरस से लगने वाला है। तो ये सारे के सारे हमारे वायरल डिजीज है। जब कल मैं आपको ह्यूमन जब डिजीज पढ़ाना शुरू करूंगा एनिमल्स में, तो आप लोगों को बताऊंगा मैं कि किस तरह से सारे डिजीज को पहले मैं कैटेगराइज करूंगा कि कौन सा वायरल है, कौन सा बैक्टीरियल, कौन सा फंगल, कौन सा प्रोटोजोअन, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग इंडिविजुअल डिजीज को जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन बहुत अच्छा, वायरल डिजीज होता है, वेरी गुड। तो ये आपका सभी ने जो है वायरल डिजीज बताया, सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो आप लोगों को मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है, इसी का मुख्य देन है जिसके कारण अभी भारत जो है दूध में नंबर वन स्थान मेंटेन करने के लिए सफल हुआ है। तो उसका देन NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और उनके संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब को जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बता चुका हूँ, अब आप लोग बता दो हमें कि NDDB की स्थापना कब हुई थी, फटाफट बता दीजिए आंसर। 1965 सुप्रिया रॉय बता चुकी हैं, बहुत अच्छा 1965 बच्चों, बहुत अच्छा सही आंसर बताया थे बेटा सुप्रिया। 1965 जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है आनंद गुजरात में स्थापना हुआ था, कब, 1965 में। कहां पर स्थापना हुआ था, आनंद गुजरात में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना, ये आप लोगों को स्टार्टिंग वाले स्लाइड में भी सारे रिसर्च स्टेशन बताते समय बता चुका हूँ। नेक्स्ट एवरेज बॉडी टेम्परेचर, एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ काउ बॉडी इज, यानी कि गाय के शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या होता है। आपके ऑप्शन है 100.15, 100.101.5, 102.5 और 100 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। इसे फटाफट बता दो बच्चों, देखो सबसे ज़्यादा जो है 107 के आसपास तो आपका क्या होता है, ये मुर्गियों में होता है ना, तो यहाँ पे बात हो रहा है सिर्फ आपका नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ काउ यानी कि गाय के लिए। तो फटाफट सभी लोग कमेंट कर दीजिए, आज जो है चार्ज की इश्यू है थोड़ी सी, इस वजह से चार्ज में लगाया फ़ोन। फटाफट बता दो आंसर आप लोग, 101 और 102, ठीक है। कुछ बच्चे 101 के साथ जा रहे हैं, कुछ बच्चे 102 के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 101.5 डिग्री फॉरेनहाइट, सुप्रिया बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा, इस बार भी आपका सही आंसर था, ठीक है। फटाफट बता दीजिए आंसर क्या हुआ, क्या हुआ भैया प्रियांशु, क्या दिक्कत है तुमको। 101.5 जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा बिल्कुल, बहुत अच्छा 101.5, बहुत अच्छा महेश मौर्य, बहुत बिल्कुल सही बता रहे थे। नेक्स्ट है आपका एवरेज परसेंटेज ऑफ फैट इन जर्सी काउ मिल्क, यानी कि जर्सी के गाय में जो है औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। देखो बच्चों जो भी लोगों ने अभी तक नहीं शेयर किया है बता दे रहा हूँ, एक बार शेयर जरूर से कर देना सेशन को, क्योंकि आप लोगों का ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन हो रहे हैं ना, ये सब जो पॉइंट्स हैं
इन सबको बेसिकली ध्यान देकर नोट अलग से आप लोग करते रहिएगा क्लासेस के दौरान, एक बार शेयर भी सभी लोग कर दीजिए, ठीक है। सही, मेरा भी सही है। चलो बहुत अच्छा शिवानी भारती, चलो ठीक है शिक्षा झा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, बाकी बताइए आप लोग कि क्या होगा इसमें। 6 5.5 होगा, बिल्कुल सही आंसर था, क्योंकि जर्सी क्या है, सबसे ज़्यादा वसा वाली जो दूध होती है बच्चों, वो किसकी होती है, जर्सी की होती है। तो मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन का जो रेट है वो किसका है, तो आपको मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से देखोगे तो हॉलस्टीन फ्राइसियन एक्जॉटिक में, देसी में साहिवाल हो जाएगा, लेकिन वसा की मात्रा के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज़्यादा हमारा जो है जर्सी में होता है आपका 5.5% फैट। और इसका गेस्टेशन पीरियड भी आपका कितना दिन का होता है, 305 दिन का गेस्टेशन पीरियड, यानी कि गर्भकाल होता है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है ध्यान देना है। कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्भकाल का अवधि जो है कौन सी गाय का होता है, तो ये हमारा किसका होता है बच्चों, जर्सी का ही होता है, 305 दिन का होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन अब आ चुका है, तो उसको देख लेते हैं क्या होगा। एवरेज परसेंटेज ऑफ खोआ इज इन द मिल्क ऑफ, यानी कि किसके दूध में जो है, गाय के, भैंस के दूध में जो खोआ का औसत प्रतिशत कितना होता है। यानी कि देखो ये औसत प्रतिशत वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इस चीज़ को समझिएगा कि क्या होता है औसत प्रतिशत का मतलब। जैसे हम लोग 1 किलो मान लीजिए दूध लिए, तो उससे हमें कितना किलो खोआ मिलेगा या कितना ग्राम खोआ मिलेगा, तो इस तरह के इसको हम लोग जो है औसत में परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमने 100 लीटर मंगाया तो आपको कितने किलो मिलेंगे खोआ, ठीक है। इस तरह से जो हम लोग देखते हैं तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो एवरेज परसेंटेज ऑफ खोआ इन बफेलो मिल्क जो होता है बच्चों, वो होता है आपका 20 से 22 या 24% तक होता है, लेकिन यहाँ पे जो नियर बाय ऑप्शन आपको लगाना होगा तो आप लगाओगे 25 दिन लगाओगे, ठीक है। बहुत अच्छा, हाँ 25%, हाँ 25% लगाओगे इसमें आंसर, इसलिए क्योंकि वैसे तो 22 से 24% के आसपास होता है, लेकिन नियर बाय ऑप्शन आपका क्या है 25%, तो आप आंसर यहाँ पे 25% ही लगाओगे, बिल्कुल सही, बहुत शानदार बच्चों, ठीक है। 25% जो आपका उत्पादन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी कि श्वेत क्रांति जो है बच्चों ये किस चीज़ से संबंधित है। आपके ऑप्शन है कॉटन, मिल्क, राइस और चीज़, ठीक है, राइस और सीप। तो इसमें आपका सफ़ेद क्रांति है बच्चों, ये मुख्य रूप से किस चीज़ से संबंधित है, फटाफट बता दो। देखो सफ़ेद क्रांति से रिलेटेड मैं 2-4 पॉइंट आप लोगों को बता दूं। सफ़ेद क्रांति जो है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड भी मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चा, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड से इसको रिलेटेड मानते हैं। इसके लिए जो फादर हैं ऑपरेशन फ्लड, इसके जो फादर हैं भैया, फादर किसको कहते हैं हम लोग, वर्गीज कुरियन को कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं बच्चा, वर्गीज कुरियन को कहते हैं, ठीक है। फटाफट आप लोग बता दो कि ये किस चीज़ से संबंधित है। जब इतना चीज़ें बता दी आप लोगों को तो यस सर, बट कॉस्टली होता है, हाँ कॉस्टली। तो अब थोड़ा सा मिल्क, अभी देखो महंगी बढ़ गई है, सब कुछ का महंगाई बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इसका भी जो आप लोगों का बढ़ गया है, ठीक है। तो इसमें अलग से आप लोगों को परेशान नहीं होना है, वर्गीज कुरियन आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक। वर्गीज कुरियन साहब जो है आपके क्या है, फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन। और मिल्क रिवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है। जो व्हाइट रिवोल्यूशन है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है आप लोगों को, इन पॉइंट्स को भी आप लोग बेसिकली ध्यान देते रहिए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद जो है बच्चों, अगला हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आप सभी के सामने है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने है बच्चों, यहाँ पे इंजाइम कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट इज, यानी कि इंजाइम से जो इंजाइम्स यूज होते हैं ना, जैसे हम लोग बात करते हैं चीज़ बनाते समय, पनीर बनाते समय, खोआ बनाते समय, छेना बनाते समय, तो इस तरह से हर एक जो आप मिल्क प्रोडक्ट बनाते हो तो सबका प्रोसीजर आपको डिस्कस मैं करूँगा, ठीक है, जब डेयरी टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दें कि क्या क्या आपके आंसर्स हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। होने के लिए तो आपके यही सब आपके आंसर्स होंगे। तो फटाफट बताओ, इंजाइम कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट किसको कहते हैं, दही बता रहे, अरे गधे, दही में लैक्टोबैसिलस डालते हो भैया, लैक्टोबैसिलस जो है हमारा वो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो कैसे वो हमारा ये हो जाएगा इंजाइम कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, दही कुछ धरल्ले से सभी लोग जो है दही के साथ जा रहे हैं कि दही में बड़ा इंजाइम पाया जाता है। बेसिक शिक्षा, एक बच्चा स्मार्ट है, विवेक खुशी भगत स्मार्ट है, ठीक है। दो बच्चियाँ अपना सही आंसर बताइए, विपिन रस्तोगी बेटा भी सही बता रहे हो, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, देखो बहुत शानदार, ठीक है। जिन्होंने भी यहाँ पे बताया है चीज़, आपका आंसर सही है, क्योंकि चीज़ जो है बच्चों ये कैसा प्रोडक्ट है, तो इंजाइम कोगुलेटेड है, ठीक है, इंजाइम कोगुलेटेड है, ठीक है। लेकिन भैया पनीर और छेना जो है, ध्यान से नोट करते रहना,
भैया, ठीक ना। पनीर और छेना जो है ये हमारा क्या है, तो एसिड कोगुलेटेड है, एसिड कोगुलेटेड यानी कि एसिड के कारण से इसको फाड़ के तैयार किया गया है, ठीक। उसके बाद बच्चों दही की बात करोगे तो दही में भैया लैक्टोबैसिलस का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है बाबू लोग? लैक्टोबैसिलस का यूज़ होता है, तो ये भी हमारे लैक्टोबैसिलस से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट आपको अगर क्वेश्चन पूछता है चीज़, तो ये क्या होता है, इंजाइम कोगुलेटेड होता है। क्या होता है भैया? इंजाइम कोगुलेटेड होता है, इंजाइम कोगुलेटेड होता है, ठीक है। इंजाइम कोगुलेटेड ये जो है आपका हो जाता है, तो इस चीज़ को भी आप बेसिकली ध्यान दे दीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आप लोगों को यही सब चीज़ें यहाँ तक ध्यान देना है, तो इंजाइम कोगुलेटेड आपका क्या हो जाएगा, चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कोलोस्ट्रम फीडिंग इज नेसेसरी फॉर, यानी कि कोलोस्ट्रम जो पिलाते हैं बच्चों को, ठीक है, जो बछड़े होते हैं उन सबको जो फीडिंग किया जाता है, ये आप लोगों को मैंने कल भी बताया था। हाँ चलो ठीक है, फटाफट बता दो कि इसमें आंसर क्या होगा। कोलोस्ट्रम फीडिंग किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग बता दीजिए फटाफट। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, देखे हाँ ऑप्शन डी बता रहे हैं, चलिए ठीक है, आंसर जो है ऑल ऑफ दीज होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका काम पूरा है, क्योंकि देखो कोलेस्ट्रॉल आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो फेनुस जो कहते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, सुपाच्य होता है, इसलिए तो बछड़े को पिलाया जाता है, ठीक है। तीसरा जो आपका वहाँ से रोग प्रतिरोधी क्षमता, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, तो वो भी आपका बढ़ाता है, तो इसीलिए आपसे रोग प्रतिरोधी क्षमता भी आपका बढ़ाएगा, पचने में सुपाच्य होता है और प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा होती है प्रोटीन की, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसमें आपके आंसर सभी होंगे। नेक्स्ट है मेनली ड्राउट ब्रीड ऑफ कैटल इज, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है बच्चों, जितने भी आपके नस्ल दिए गए हैं सब में से कौन सा हमारा वारवाही नस्ल है, ठीक है, तो फटाफट बता दो बच्चों की क्या होगा। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, ऑल ऑफ दीज बता रहे थे, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, सभी लोग फटाफट बताओ बच्चों आंसर क्या होगा। अमृत महल, आकृति कुमारी सबसे पहले बताई है, अमृत महल है, ठीक है। बाकी जो है बच्चे कौन कौन बता चुका, विपिन रस्तोगी, कैप्टन बायो, सुप्रिया, ठीक है, नेहा कुमारी, ठीक है, शालिनी पाठक, सभी लोग जो है बहुत अच्छा, सभी लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमृत महल बता रहे हैं, ठीक है, आर्यन बहुत अच्छा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अमृत महल। देखो तीन जो है आप लोगों को मैंने मुख्य रूप से पढ़ाया है आपको ड्राउट ब्रीड में, जिसमें आपका मालवी था, नागौरी था और अमृत महल था, ठीक है। बाकी कंग्रेज, थारपारकर, ये सब हमारे दो प्रयोजनीय नस्ल थे हरियाणा के साथ। नेक्स्ट आपका गिर और साहिवाल हमारा दुग्ध प्रयोजनीय नस्ल था, ठीक है। तो रिवाइज हो रहा है कि नहीं चीज़ें, जिस तरह से आ रही है सवाल, जिस तरह से ऑप्शंस देख रहे हो, उस तरह से तुम्हारे दिमाग में लगे जो धूप पर्दा, जो धूल जो जम गया है नस्ल पढ़ने पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो वो धूल के थोड़ा थोड़ा धुंधला जो है, मेमोरी साफ हो रहा है कि नहीं ये बता दो फटाफट सभी लोग। फटाफट बता दो कि आंसर क्या होगा, अमृत महल। चलिए बाकी आंसर बहुत अच्छा, यस सर बहुत अच्छा बेटा, ठीक है। तो ये सब अब देखो, टोगेनबर्ग इज अ नेटिव ऑफ, ये भी एक दूसरा क्वेश्चन है जो आप लोगों को कल ही या लास्ट परसों सेकेंड लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। तो फटाफट बता दो कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये टोगेनबर्ग जो है बच्चों ये हमारा कहाँ का नस्ल है, यूरोप, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका और यूएसए, ठीक है। तो टोगेनबर्ग हमारा कहाँ का जो है आपका नस्ल है, ये फटाफट बता दीजिए बच्चों, ठीक है, आंसर क्या होगा। ऑल क्लीन, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका बता रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ बच्चे स्विट्जरलैंड बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो देखो यहाँ पे जो है बच्चे, ये टोगेनबर्ग जो है ना, ये हमारा स्विट्जरलैंड की ही नस्ल है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों ये आपका सही आंसर है, ठीक। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट और हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, बी, डी, बी, डी में जो अभी तक द्वंद्व छिड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है आपका स्विट्जरलैंड, ये हमारा सही आंसर था बच्चों, ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है सभी के आंसर सही थे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट सभी के सामने जो क्वेश्चन आ रहा है उसको देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो फटाफट बता दीजिएगा आप लोग और भी आंसर्स। NDDB जो होता है नेशनल, ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों वो कहाँ पर स्थित है। फटाफट बता दो मेरे शेरों कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आ गया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कमाल हो गया है, ये करनाल होगा बच्चों, ठीक है, CARNAL करनाल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे करनाल, NDRI करनाल में स्थित है, बहुत अच्छा, हाँ करनाल होगा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट है थर पर्कर इज अ नेटिव ऑफ, यानी कि थर पर्कर जो नस्ल है बच्चों, ये हमारा दो प्रयोजनीय नस्ल है, ठीक है, डुअल पर्पस ब्रीड है हमारा, ठीक है, थर पर्कर। तो ये मुख्य रूप से कहाँ का नस्ल है, ठीक है, थर पर्कर को सफ़ेद सिंधी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। तो बता दो फटाफट इसमें आंसर क्या होगा, थर पर्कर कहाँ का नस्ल है, करनाल हरियाणा। अभी तक बच्चे करनाल हरियाणा में ही अटके हैं। अरे भैया लोग जागदा, दूसरा क्वेश्चन बता दा, करनाल हरियाणा 1955, ठीक है ठीक है, फटाफट बता दो इसमें आंसर क्या होगा। हाँ ईश्वर साई बहुत अच्छा बता रहे हो बेटा, आगे बताओ। थर पर्कर इज अ नेटिव ऑफ, थर पर्कर कहाँ का नेटिव है बच्चे, यहाँ पे पाकिस्तान। बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा, शानदार, जिन्होंने पाकिस्तान बताया है सही बता रहे थे बच्चों। थर पर्कर को ही हम लोग सफ़ेद सिंधी के नाम से भी जानते हैं ना, व्हाइट सिंधी, ठीक है। पाकिस्तान का ये जो है उत्पत्ति स्थान या फिर इसका जो नेटिव प्लेस है बच्चों, वो आपका सिंध क्षेत्र पाकिस्तान है। बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चों, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शीप, यानी कि भेड़ की सबसे लंबी नस्ल जो है बच्चों वो कौन सी होगी। देखो भेड़ में आप लोगों को तीन ही चार नस्ल तो आप लोगों को बताया था, बीकानेरी पुगल जो है आपका कारपेट उल के लिए, डेकानी जो था वो हमारा था कंबल उल के लिए, ब्लैंकेट उल और मटन के लिए, और नेक्स्ट था आपका लोही जिसको हमने लार्जेस्ट शीप कहा था, और नेक्स्ट आपको बताया था मैंने एक टॉलेस्ट शीप के बारे में जिसका आंसर क्या हो जाएगा, नेलोर हो जाएगा। बहुत शानदार, ठीक है विपिन रस्तोगी, बहुत अच्छा, खुशी भगत सी नेलोर बता रहे हैं, बहुत शानदार। तो ये हमारा टॉलेस्ट ब्रीड था, ठीक है। डेकानी जो होता है वो कंबल उल के लिए, बीकानेरी जो था बच्चों ये हमारा था मुख्य रूप से कारपेट उल के लिए, ठीक है, बीकानेरी और पुगल जो था वो कारपेट उल के लिए था, ठीक है। डेकानी जो था वो मटन और आपका जो है कंबल के लिए था, कंबल बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके अलग अलग ब्रीड्स के जो अलग अलग खासियत होते हैं उनको हम लोग बात करते हुए चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन के बाद ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, अभी ऊपर ही डिस्कस किया है हमने। देखो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस कितने होते हैं एग्रीकल्चर के, कि आपके एक ही टेस्ट में भी दो तीन क्वेश्चंस आपको एक दूसरे से रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। इतने ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर में, इसलिए आप लोगों को बस करना क्या, समग्र पूरी दिमाग के जो ब्रह्मांड में जो चीज़ें नोट्स में है वो ब्रह्मांड पूरा दिमाग में समाना रहना चाहिए, तभी आप जो फटाफट खट क्वेश्चन देके एमसीक्यू मारोगे और बहुत जल्दी मार लोगे। मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हाँ मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बहुत अच्छा। ऑपरेशन फ्लड जो था अभी आप लोगों को ऊपर ही डिस्कस किया था मैंने कि ऑपरेशन फ्लड जो है भैया वो किसी से रिलेटेड है, तो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट आप सभी के सामने है वर्ल्ड नंबर वन एक प्रोड्यूसर, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर वन पोजिशन पर कौन सा दुग्ध अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल है, न्यू हैम्पशायर, इंग्लिश क्लास, लेगहॉर्न और रॉड आइसलैंड रेड। फटाफट बता दीजिए, यहाँ पे बात हो रही है नंबर वन एग प्रोड्यूसर की, यानी कि विश्व का नंबर वन अंडा उत्पादक जो है वो कौन सी कंट्री है, ठीक है, एग प्रोड्यूसर बच्चों, ठीक है। इसके बारे में फटाफट बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, नंबर वन एग प्रोड्यूसर जो है आपका वो है लेगहॉर्न है बच्चों, ठीक है। लेगहॉर्न जो आपका क्या है, नंबर वन एग प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, मीट ऑफ काफ इज कॉल्ड, यानी कि जो बछड़े की जो मांस होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके बीफ, मटन, चिवन। चिवन तो भैया किसके मांस को कहते हो, बकरी के मांस के, ठीक। मटन कह रहे हैं सीप के मांस के, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास बचा बीफ, बीफ बोलते हो काऊ के मांस को, तो भैया काफ के मांस को क्या कहोगे, व्हील ही ना कहोगे, ठीक है। तो फटाफट व्हील जो है आंसर आपका सही हो गया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, लेगहॉर्न व्हील, वेरी गुड पंकज कुमार बेटा, सही बता रहे हो, व्हील जो है आपका सही आंसर होगा, वी ए एल, सब पता है सर अभी रास्ते में, चलो ठीक है। बड़ी अस्त व्यस्त रहती है कुछ लोगों की ज़िंदगी की, बेचारा बाइक पे बैठे हुए हैं तब भी क्लास करना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसी होती है कभी कभी। नेक्स्ट, मोस्ट पॉपुलर ब्रीड ऑफ शीप, यानी कि ऊन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए विश्व की सबसे लोकप्रिय महीम ऊन के लिए नस्ल कौन सी मानी जाती है बच्चों। आपके ऑप्शन है रैम्बोलियन, कोरिडेले, लिंकन और मेरिनो। तो देखो फटाफट, ये तो बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा इसका क्वेश्चन का आपका, और 80% से ज़्यादा जो ऊन उत्पादन होता है विश्व में बच्चों, ये आपका मेरिनो और इसके संकर किस्म जो आपके क्रॉसेस बनते हैं ना दूसरों से कराया जाता है उसी से लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, मेरिनो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टेशन पीरियड इन बफेलो, भैंस का जो गर्भकाल होता है वो कितना दिन का होता है। अभी ऊपर ही आप सभी ने रिवाइज किया था, इसमें ऑप्शन क्या क्या थे आपके, 280 दिन, ठीक है, दूसरा है आपका 310 दिन, 270 दिन और 420 दिन बच्चों, ठीक है। तो फटाफट बता दो मेरे शेरों कि इसमें आंसर
क्या होगा गेस्टेशन पीरियड इन बफेलो, आपकी क्या होगी सही आंसर इसका, गेस्टेशन पीरियड इन बफेलो को क्या कहते हैं, फटाफट बता दो बच्चों। इसमें आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 420 नहीं बच्चा, ऑप्शन होगा आपका 310 दिन से लेकर 316 दिन। अभी ऊपर ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 310 से लेकर आपका 316 दिन तक जो है आपका भैंस का गर्भकाल का अवधि होता है। बहुत अच्छा, 310 दिन, वेरी गुड। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आप सभी के सामने क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है क्वेश्चन नंबर 34 आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ ऊल इज और राजस्थान इज ऑप्टेंड बाय, यानी कि राजस्थान में जो आपका सबसे महीम जो ऊन का उत्पादन कौन सी नस्ल के द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मागरा, सोनाडी, नाली और चोकला, ये सारे के सारे आपके भेड़ के नस्ल है। देखो राजस्थान और भेड़ का बहुत अच्छा संबंध है, जैसे भेड़ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या राजस्थान में है, ठीक है। जैसे ऊन उत्पादन की बात करोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लीडिंग स्टेट है वो हमारा राजस्थान है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भेड़ का जो अनुसंधान केंद्र है वो भी हमारा अंबिकानगर राजस्थान में है, ठीक है। भेड़ की मैक्सिमम जो नस्ल है उसकी उत्पत्ति स्थान भी राजस्थान रही है। तो राजस्थान में जो है किसको हम लोग फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ ऊल, सबसे महीम ऊल उत्पादन करने के लिए जानते हैं बच्चों। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट देख लेते हैं। आंसर कोई दिया है क्या अभी तक, चलो कुछ बताते, चोकरा बता रहे हैं, चोकला होगा बच्चों, ठीक है, चोकला, छोकरा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी चोकला बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर एफ भी बता दे रहे हैं जबकि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ही है चार। बताओ अपने से नया ऑप्शन क्रिएट करके भी लोग, चोकला, बहुत शानदार। देखो इसी चोकला को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, मेरिनो ऑफ राजस्थान कहते हैं, क्योंकि इसका जो नस्ल होता है इसका जो है आपका वो मेरिनो ऑफ राजस्थान, इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊन जो होती है बच्चों बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, इसीलिए इसको मेरिनो ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्टेड मीट ऑफ पिग इज नॉन एज, यानी कि जो सुअर है उसका नमक वाली जो मांस होती है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट बता दो बच्चों। यहाँ पे आपको साल्टेड मीट का आंसर पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कई बार आपके क्लासेस में लाइव क्लासेस के दौरान बताया गया क्वेश्चन है कि सॉल्टेड मीट जो होती है पिग को इसको क्या कहते हैं बच्चों, फटाफट बता दो मेरे शेरों कि आंसर क्या होगा। सॉल्टेड मीट ऑफ पिग इज नॉन एज, आपके ऑप्शन है बेकॉन, बीफ, पोर्क और चिकन, ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में बता देते रहता हूँ, ठीक है, तब तक आपके आंसर्स आ जाने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आपको, जो से चिकन जो है बच्चों ये हमारा किसके मांस को कहते हैं, तो पोल्ट्री हो गया, ठीक। इस तरह से पोर्क जो होता है बच्चों ये किसके मांस को कहते हैं, पिग को, और बीफ जो है बच्चों ये काऊ को कहा जाता है। तो भैया ऑप्शन में क्या था, सॉल्टेड मीट ऑफ पिग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेकॉन कहलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बेकॉन जो है वो हमारा सही आंसर था, ठीक है। इसका जो सॉल्टेड मीट जो होता है बच्चों पिग का उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकॉन कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, हाँ बेकॉन। कुछ लोगों ने यहाँ इमेजेस भी डालना शुरू कर दिए बेकॉन का, चलो महादेव, बहुत अच्छा, ठीक है, सभी लोग बेकॉन बता रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बेकॉन जो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फटाफट बता देना आप सभी लोग आंसर। डोरसेट हॉर्न इज अ नेटिव, देखो डोरसेट हॉर्न जो है ना ये एक सीप का नस्ल है, किसका नस्ल है ये बच्चों, सीप का ब्रीड है डोरसेट हॉर्न, ठीक है। डोरसेट हॉर्न जो है वो हमारा सीप का नस्ल है, ये बता दीजिए फटाफट कि ये कहाँ का नेटिव प्लेस इसका कहाँ है, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनमार्क। डोरसेट हॉर्न इज नेटिव ऑफ, कहाँ का होगा बच्चों, फटाफट बता दो ये आंसर क्या होगा। डोरसेट हॉर्न इज द नेटिव ऑफ, ये कहाँ का जो है, ये मूल निवासी, मूलतः जो ये नस्ल जो है बच्चों ये कहाँ का है, विभिन्न रस्तों के इंग्लैंड का है, ठीक है। बहुत अच्छा बच्चों, इंग्लैंड हो जाएगा। मोस्ट पॉपुलर पोल्ट्री ब्रीड इन यूएसए, यूएसए में मांस उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा, कल ही बताया था आप लोगों को, रेड कॉर्निश को माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर विश्व में मांस उत्पादन के लिए देखोगे तो प्लाईमाउथ रॉक को मानते हैं बच्चों, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आप सभी के सामने है, जर्सी इज अ नेटिव ऑफ, जर्सी किस का, कहाँ का उद्गम स्थल इसका क्या होगा, ठीक है। डेनमार्क, इंग्लैंड, होलैंड और यूएसए। तो देखो जर्सी का जो आप लोगों को मैंने पहले बताया था, ये इंग्लिश चैनल का है, कहाँ का है बच्चों, नेटिव ऑफ इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है इंग्लैंड, ठीक है। तो आपका जो इसका नेटिव प्लेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, जर्सी इज अ नेटिव ऑफ इंग्लैंड, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा, रोहित चौरसिया, ठीक है, प्रियांशु कुमार, सालू सिंह, सभी लोग लगभग, अभिषेक पाल, बेसिक शिक्षा, सभी लोग लगभग जो है ऑप्शन नंबर
बी का ही चुनाव कर रहे थे। नेक्स्ट है एग प्रोडक्शन स्टार्ट इन पोल्ट्री एट द एज ऑफ, ये भी आप लोगों को कल ही के क्लास में मैंने बताया था, 5.5 महीने की जो उम्र होती है उसके बाद जो वहाँ पे अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है। लार्ज यॉर्कशायर इज अ ब्रीड ऑफ, कल ही बताया था यॉर्कशायर जो है वो हमारा किसका नस्ल है बच्चों, तो ये हमारा पिग का नस्ल है, ठीक है, पिग का ही नस्ल है, बहुत अच्छा। हाँ तो ये सारा चीज़ें हो चुका था। नेक्स्ट है बच्चों शीप ब्रीडिंग डिपेंड्स मेनली ऑन, जो आपका भेड़ में जो प्रजनन होती है वो मुख्य रूप से किस चीज़ पे निर्भर करता है बच्चों, भेड़ में होने वाली जो प्रजनन गतिविधि है बच्चों ये मुख्य रूप से किस चीज़ पे निर्भर करती है, तो इसको देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मुख्य रूप से जो है बच्चों सीजन पर डिपेंड करता है, बहुत अच्छा, मौसम पर डिपेंड करता है कि इसमें प्रजनन जो होती है ना भेड़ में वो जो हमारा किस पर डिपेंड करता है, तो सीजन पर डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काऊ मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड, देखो काऊ के मिल्क में ना प्रोटीन दो तरह के रहते हैं, एक होता है हे प्रोटीन और एक होता है केजीन, और हे प्रोटीन में लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टो ग्लोब्यूलिन करके दो और एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग कंबाइनली हे प्रोटीन कहते हैं, जो कितना परसेंट अकाउंट करते हैं 20%, और बाकी जो 80% होता है बच्चों वो हमारा केजीन होता है, ठीक है। तो मिल्क का मेन प्रोटीन करके अगर क्वेश्चन आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा, केजीन हो जाएगा। जीन तो भैया मेज का प्रोटीन है, और लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टो ग्लोब्यूलिन जो है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हे प्रोटीन। तो देखिए इस तरह से नोट कर लीजिए, केजीन जो होता है भैया वो कितना परसेंट आपका 80% होता है, ठीक, और बाकी जो हे प्रोटीन्स होते हैं, हे प्रोटीन्स जो होते हैं बच्चों वो कितना प्रोटीन परसेंट होते हैं, हे प्रोटीन जो आपका होता है 20%, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। मोरक्को लेदर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन ऑफ, गोट से ऑब्टेन होता है, पासमीना हो चाहे मोरक्को हो चाहे मोहेर फाइबर हो, मोहेर फाइबर मुख्य रूप से अंगोरा नस्ल से आती है, और अंगोरा फाइबर जो है बच्चों वो मुख्य रूप से रैबिट के नस्ल से आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको बेसिकली ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ ऊल, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन जो होता है बच्चों वो कौन करता है, राजस्थान हरियाणा, तो ये भी आप लोग ऊपर बताया था राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों उसको देख लेते हैं फटाफट, कुछ ही क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट है सानेन इज अ ब्रीड ऑफ, सानेन जो है कहाँ का नस्ल है, ठीक है, फटाफट बता दो इसमें सही आंसर क्या होगा। 45 नंबर में पूछा गया है सानेन जो है बच्चों ये कहाँ का नस्ल है, यानी कि नेटिव प्लेस इसका क्या हो जाएगा, सानेन का नेटिव प्लेस क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए आंसर क्या होगा बच्चों, सानेन का नेटिव प्लेस। देखो सानेन हमारा क्वीन ऑफ मिल्क, ठीक है, इस तरह से एंग्लो नुबियन को जर्सी काऊ इस तरह से हम लोग कह रहे थे कि नहीं, इसमें जो सानेन है बच्चों इसको हम लोग नेटिव प्लेस कहाँ का है, सानेन इज नेटिव ऑफ स्विट्जरलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड, चलो कुछ बच्चे यूएसए भी बता रहे हैं। देखो यहाँ बच्चा इसका जो नेटिव प्लेस है वो है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है, सानेन का नेटिव प्लेस स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हार्मोन सेक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लोअर द ब्लड शुगर लेवल, यानी कि जो रक्त में चीनी की मात्रा जो है कम करने का काम बच्चों इंसुलिन करता है, और बढ़ाने का काम जो है वो ग्लूकागोन करता है। ग्लूकागोन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, क्या करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, शुगर लेवल जो ब्लड का उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है, ग्लूकागोन करता है। और गोट टिश्यू वैक्सीन GTV जो है बच्चों इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट, किसके लिए जो है ये यूज किया जाता है बच्चों, तो ये हम लोग का रेंडर पेस्ट जो एक बीमारी है उसके अगेंस्ट में जो है हम लोग ये यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है कि इनिशिएशन ऑफ मिल्क जो होता है बच्चों, दूध का जो उत्पादन का जो प्रक्रिया होता है, दूध स्राव का शुरुआत जो है उसको क्या कहते हैं बच्चों। देखो दूध स्राव का शुरुआत जो है बच्चों उसको हम लोग लैक्टोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि लैक्टो मतलब होता है दूध से रिलेटेड हो गया, लैक्टोज और जेनेसिस मतलब निर्माण, यानी कि स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होती है, इनिशिएशन का जो मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग लैक्टोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। हाँ इंसुलिन कम करता है और ग्लूकागोन बढ़ाता है, बहुत अच्छा बच्चों, ठीक है रोहित, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट लैकिंग इन स्टोमक ऑफ कैमल, देखो जैसे कि आप लोगों को मैंने एक पॉइंट बताया था ना कि रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं उसके पेट में चार भाग, रूमेन रेटिकुलम, ओमैसम और एबोमैसम, ठीक है, रूमेन रेटिकुलम चार भाग थे, लेकिन आपका कैमल जो है उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ तीन भाग होता है, तो वो चौथा भाग कौन सा नहीं होता है, यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों। तो जो चौथा भाग नहीं होता है वो आपका आंसर क्या हो जाता है, ओमैसम जो है वहाँ पे नहीं पाया जाता है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ र्यूमेन होता है, एबोमैसम होता है और रेटिकुलम होता है, ओमैसम जो है आपका नहीं पाया जाता है, तो ये एब्सेंट होता है कैमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्टोमक इज, यानी कि जो पेट में जो आपको मैंने बताया कि चार भाग होते हैं, रेटिकुलम, र्यूमेन, एबोमैसम और ओमैसम, तो उसमें सबसे छोटा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फटाफट बता दीजिए बच्चों। हाँ आपके सर ब्रज सर आ गए हैं बच्चों, ठीक है, आप लोगों की क्लास बस शुरू होने वाली है, ठीक है, 2 मिनट में सर आके बैठे हुए, बस शुरू होगी आपकी 5 मिनट में, ठीक है क्लास, चलो ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा, तो देख लीजिए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ
स्टोमक क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो कि आंसर क्या होगा इसमें। एबोमेसम, ओमेसम, र्यूमेन और रेटिकुलम। देखो आंसर क्या हो जाएगा, रेटिकुलम। और र्यूमेन जो है बच्चों, ये हमारा क्या है, तो लार्जेस्ट भाग है, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट जो होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, र्यूमेन हो जाएगा, और रेटिकुलम आपका स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा बच्चों, आज की क्लास में जो है हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर कल से हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का जो है आपका आठवां लेक्चर जो है फिर हम लोग टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। फिर कुछ जब पोर्शंस डिस्कस हो जाएंगे फिर आप लोगों को जो है एमसीक्यू बेस्ड सेशंस फिर से हम लोग लेकर आएंगे। तब तक आप लोग सभी लोग जो है ये सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। कल हम लोग एनिमल में होने वाले जो रोग है ना, डिजीज, हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन था आपका, उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, सभी लोग एक बार तैयार भी कर लीजिएगा, अपना नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।